हमारा बैकग्राउंड सेटअप कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो आज का थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज कौन से टॉपिक के ऊपर हम मतलब ये वाला वीडियो लेके आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत दिन से हम बहुत से इन्फॉर्मेशन गैदर करके जो हम कलेक्ट किए थे मेरे घर के इंटीरियर मतलब डेकोर के लिए, तो वही हम आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट और कैच अप दिस मोमेंट। I have divided this topic under three category, like season wise, climate wise and आपका और मेरा mood wise। तो इंसान के मूड के ऊपर अगर हम बात करें तो मूड के ऊपर कलर का जो इफेक्ट है वो जरूर आता है। तो कलर इफेक्ट, तो कलर इफेक्ट हम देखने वाले हैं, फिर उसके साथ साथ हम देखने वाले हैं सीजन। तो सीजन में जैसे कि स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, तो ये फोर सीजन में अकॉर्डिंग टू मंथ वाइज अगर हम डिवाइड करेंगे तो जैसे कि अभी स्प्रिंग चल रहा है, स्प्रिंग में ऐसे रेडीज, ऑरेंज और जो भी वाइब्रेंट कलर है। और इसके बाद अगर आते हैं समर का बात करेंगे तो जैसे कि आपका हो गया जून जुलाई और अप्रैल, सॉरी जून जुलाई अगस्त, तो ये समर का हो जाता है। तो इसमें समर सीजन में कहीं तरह रेनी सीजन भी रहता है, फिर समर का भी रहता है और इसमें आपका येलो कलर बहुत ही अच्छा से निखर के आता है, मई तक होता है। तो इसमें वाइब्रेंट कलर का लुक्स बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छा निखर के आता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा वाला कलर इफेक्टेड होगा, कौन सा वाला कलर सूटिंग रहेगा, उस हिसाब से कैटेगराइज किए गए। फिर आपका ऑटम, ऑटम में कौन सा वाला मंथ आता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि मेरी जानकारी जितना है हम बता देते हैं, जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये आपका फेस्टिव सीजन चलता है, इसमें वाइब्रेंट कलर आता है। लेकिन अगर आप प्लांटेशन का बात करोगे तो इसमें थोड़ा सा पत्ता येलिश ब्राउनिश ऐसे कलर का हो जाता है, फिर उसके साथ साथ क्या होता है पत्ता झड़ने लगता है। फिर टोटली विंटर सीजन में तो आप लोगों को पता ही है कि जनवरी फरवरी विंटर सीजन में हम लोगों का जो इंडिया में जैसे कि मोस्ट ऑफ द टू मंथ दिसंबर का लास्ट से लेके जनवरी एंड फरवरी का 15 तक पूरा एकदम सॉलिड जो विंटर का रहता है महीना, तो इसमें देखा जाए तो बहुत ही रेयर प्लांटेशन में जो फ्लावरिंग होता है बहुत ही रेयर रहता है। तो ये सब हिसाब से हम कुछ मतलब आज हम गैदर किए जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहले ही हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट हैंगिंग वाला जो फ्लावर है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये येलो कलर का है, फिर ये आपका स्काई कलर का है, ये आपका व्हाइट कलर का है। सो ये लाइट हैंगिंग कलर है। अगर ये कलर हम व्हाइट और ये ब्लू कलर ये हम विंटर के लिए सिक्योर करके रख दे तो मेरा येलो कलर अभी स्प्रिंग में भी चला जाएगा और समर सीजन में भी चला जाएगा। तो समर में भी चला जाएगा और स्प्रिंग सीजन में भी चला जाएगा। जैसे कि अभी हम दिखा रहे हैं ये वाला हैंगिंग है, आप लोग अगर हैंगिंग देखना चाहोगे हम इधर लगा के दिखा देते हैं। ये देखिए मेरा ये वाला हैंगिंग हो गया। फिर अगर आप देखना चाहोगे तो कहीं पे भी आप इसको हैंग कर दो, जैसे कि आप देखिए ये वाला जो हम हैंग कर दिए, और इसके साथ साथ अगर हम व्हाइट वाला भी हैंग करना चाहते हैं तो व्हाइट वाला भी हम हैंग कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हम यही इसमें जस्ट अभी हैंग करके दिखा रहे हैं आप लोगों का, अगर ये डोर के पीछे ऐसे लगा हुआ आ रहेगा तो उसमें भी आप हैंग कर सकते हो। तो इट्स लुकिंग सो ऑसम, प्लीज कमेंट करके कैसा आ रहा है जरूर कमेंट करके बताना। तो ये तो हो गया आपका जो लाइट हैंगिंग वाला फ्लावर है इसका। तो इसके बाद हम दिखाने वाले हैं नेक्स्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट समर सीजन। जैसे कि समर को लुक थोड़ा सा क्रिएट किए, बीची वाला लुक, बीच लुक क्रिएट किए। तो समर जैसे कि जून जुलाई अगस्त का महीना आ जाता है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों के पास जो जो वास वाला प्लांट होता है ना, रुकिए, वैसे दिस इज नॉट वाइन, दिस इज प्रोमिग्रेमेट जूस। चीयर्स। You want this? Okay. My director said I also want to be come in front of the camera and say cheers. तो जैसे कि समर में होता है वास में डालने के लिए, जैसे कि ये देखिए पूरा एकदम से आपका एक बीची लुक आ जाएगा, ये पूरा आपका आर्टिफिशियल प्लांट में है। तो ये हम इस साइज का लिए, क्योंकि अगर आप बड़ा वाला प्लांटर में आप अगर सेट करना चाहते हो उसमें भी आ जाएगा, छोटा वाला मीडियम जो साइज वाला प्लांटर है उसमें सेट करना चाहते हैं तो उसमें भी आ जाएगा। स्पेशली ये बेडरूम के लिए एकदम से परफेक्ट है, बेडरूम में जो साइड टेबल रहता है उधर रखने के लिए एकदम से परफेक्ट है। मेरे पास हम ऐसे ही एक फ्लावर वॉस हम रखे ट्रांसपेरेंट, तो इसमें भी डाल के आप लोग ऐसे करके ये रख सकते हो ये वाला। फिर इसके बाद हम दिखाने वाले हैं और भी एक है जो है, ये देखिए पत्ता इसके ऊपर देखिए वाटर ड्रॉपलेट पूरा एकदम से, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें पूरा वाटर ड्रॉपलेट आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये वाटर ड्रॉपलेट आ रहा है एकदम से, जैसे कि लगेगा कि रेनी सीजन में इसके ऊपर रेन मतलब गिरा हो। तो पूरा वाटर ड्रॉपलेट आप लोगों को और भी करीब से दिखा देते हैं। ओह माय गॉश, ओह माय गॉड, आई लव यू मम्मी। वाटर ड्रॉपलेट इधर से दिखाई देगा आप लोगों को। तो ये वाला आप लोग रख सकते हो, ये भी एक वास में रखने वाला है और ये समर सीजन के लिए एकदम से परफेक्ट है। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को फ्लावर चाहिए तो दिस इज द फ्लावर, तो ये भी आप लोग रख सकते हो। जैसे कि हम अभी इधर रख के आप लोगों को दिखा देते हैं एकदम से, तो देखिए कैसा लुक ला रहा है।
सो दिस काइंड ऑफ सर्टेन आप लोग इसको वास में भी मतलब डाल के रख सकते हो, जैसे कि हम वास में डाल के इसको दिखा रहे हैं। ये वाला देखिए वास में भी बहुत ही अच्छा सा आ रहा है। आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे जो विंटर में आप लोग डाल सकते हो, विंटर वाला मौसम में, उसके लिए भी वास वाला प्लांट हम अरेंज करके रखे है जो विंटर के लिए एकदम से अप्रोप्रिएट है। तो चलिए लेट्स ड्राइव आवर अदर सेगमेंट। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अटप का। ये प्लम वाला है, तो अगर आप एक ही वॉल में रखना चाहते हो तो ये प्लम वाला रख सकते हो। इधर देखिए कितना अच्छा सा लुक्स आ रहा है इसका पूरा। ये देखिए एक वॉल के लिए पूरा प्लम वाला आप लोग रख ही सकते हो। चलिए दिखाते हैं मेरा जो प्लम वाला है, आर्टिफिशियल जो प्लम आता है उसमें कैसे। ये वाला देखिए ये प्लम वाला है, तो अगर आप एक ही वॉल में रखना चाहते हो तो ये प्लम वाला रख सकते हो। इधर देखिए कितना अच्छा सा लुक्स आ रहा है इसका पूरा। ये देखिए एक वॉल के लिए पूरा प्लम वाला आप लोग रख ही सकते हो। Now we are talking about that autumn. Autumn में क्या होता है, हम लोगों का जो सराउंडिंग है तो पूरा एकदम से फ्लावर लेस हो जाता है और पत्ते का जो कलर है वो येलिश या ब्राउनिश हो जाता है। तो इस हिसाब से आप लोग कौन सा वाला डेकोर के लिए यूज कर सकते हो। जो लोग अगर ऑटम में कलर सूटिंग चाहते हैं तो वो ये वाला येलो कलर यूज कर सकते हैं, या तो फिर देखिए हम इधर रखे हुए हैं ये वाला जो येलो, ये वाला भी फ्लावर हम यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग दिखा सकते हो। और ये देखिए ये एक बड़ा वाला वास हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिगर। तो ये हम अपने डाइनिंग रूम के लिए खरीदे थे। तो ये वाला वास में हम दोनों मतलब जो इधर रखे हैं प्लांटर, तो इसमें एक प्लांटर है उसके साथ साथ ये येलो वाला जो फ्लावर का है हम मिक्स अप करके रखे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सा एक लुक्स आता है। तो अगर बिगर प्लांटर चाहिए तो इस हिसाब से ये एक्चुअली मेटल का नहीं है। ये मेटल मतलब बहुत ही लाइट गेज जो होता है लाइट वाला एकदम से वो मेटल का है और कलर इतना सूटिंग है ब्राउन के साथ आइवरी कलर का दिया गया। तो दिस इज द अमेजिंग। मेरे डाइनिंग में अगर आप लोग डाइनिंग में रखना चाहते हो या फिर एंट्रेंस के बाद भी रखना चाहते हो तो आप लोग ऐसा एक प्लंटर आप यूज कर ही सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला। कोई भी एक वॉल आप पकड़ लो तो उसमें अगर आप रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो चाहे, या तो फिर हेवी हैंगिंग वाला अगर आप लोगों को चाहिए तो ये वाला आप लोगों को मिल जाएगा। ये अभी पैकेट नहीं खुले हुए है। ये देखिए पूरा दिस इज हेवी हैंगिंग। अगर आप लोगों को लाइट हैंगिंग चाहिए तो ऐसा, और अगर हेवी वाला हैंगिंग चाहिए तो ऐसा। तो इसमें बहुत सारे कलर आ जाता है, जैसे कि एक येलो कलर है और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि बालकनी में है, मेरे रूम में है, व्हाइट कलर का है, पर्पल कलर का है और रेड कलर का भी आता है। तो आप लोग इस हिसाब से भी ऐसे हेवी हैंगिंग और बिग वाला जो प्लांट है आर्टिफिशियल वो भी हम लोग यूज कर ही सकते हैं ऑटम सीजन के लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे विंटर में हम लोग क्या क्या मतलब घर के ऐसे आर्टिफिशियल प्लांट हिसाब से क्या क्या हम विंटर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ओ बाय द वे प्लम टी तो आप लोगों को दिखाना है ना, प्लम वाला चलिए दिखाते हैं। ऑफ कोर्स We are talking about winter season. Winter जैसे कि December, Jan and Feb में हम लोगों का एक white color और अगर purple ले सकते हैं तो purple color या तो फिर blue color, इन सब के ऊपर हम लोगों का एक craze रहता है। तो इसके लिए अभी हम दिखाएंगे vase में जो plant हम डाल सकते हैं। ये देखिए ये वाला कितना अच्छा सा है, marigold type of, actually हिंदी में इसको डालिया भी बोला जा सकता है। तो कोई भी या तो फिर अभी nowadays perennial all kind of plant flowers available in the market. सो रियल में भी आता है और आर्टिफिशियल में भी आता है, तो वो भी आप सब लोग ले सकते हो। तो ये वाला बहुत ही बढ़िया है, मेरा मतलब डाइनिंग में बहुत अच्छा सा लुक्स आता है। उसके साथ साथ आप लोगों को दिखाते हैं ये वाला एक है, ये व्हाइट कलर के ऊपर है, ये आप लोग पेरिनियल कैटेगराइज प्लांट बोल भी सकते हो। तो ये वाला एक प्लांट हो गया आप लोगों का ये विंटर सीजन के लिए। तो थोड़ा सा दो, आई हैव थ्रस्टी गेटिंग। सो विंटर सीजन के लिए ये वाला हो गया। तो बस ऐसे भी ले सकते हो। और व्हाइट कलर के ऊपर जो हैंगिंग हम ये वाला दिखाए थे, स्काई कलर के ऊपर जो दिखाए थे, ये दो व्हाइट, ये सब विंटर में आप लोग रख ही सकते हो अपने घर में। तो चलिए हम कुछ अलग सा लुक्स आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। जैसे कि देखिए मेरे फ्रिज में हम ऐसे एक वास लगा के रखे हैं, तो ये मैग्नेट का है, तो इसके नीचे से ये जो प्लांट का आर्टिफिशियल इसका स्टेम निकल के आया है और ऊपर से देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। तो ऐसे करके भी हम लोग रख सकते हैं मतलब फ्रिज के एक साइड पे। और फिर हम व्हाइट कलर का आप लोगों को दिखाते हैं। ये वाला देखिए व्हाइट कलर का हेवी हैंगिंग फ्लावर में आता है ये वाला, हम मतलब कर्टेन के साथ साथ ये यहाँ पे आपका मतलब हैंग करके रखे है व्हाइट कलर। ऐसे तो मेरे घर का कलर पिंक है, बहुत ही अच्छा सा एक वाइब्स आता है व्हाइट कलर का, जो भी फ्लावर है बहुत ही अच्छा सा एक वाइब्स आता है। तो आप लोग ऐसे करके भी रख सकते हो। और इधर देखिए ये वाला भी एक अलग सा मतलब लुक्स आता है, हम ऐसे मतलब विंडो में सजा के रख दिए ये वाला जो है। तो दीज आर सम सर्टेन प्लांट इंडोर, वो भी आर्टिफिशियल में, जो एक अलग सा लुक्स क्रिएट करने वाले हैं और सीजनल बेस हम खरीदे ताकि मतलब कोई भी सीजन में
आप लोग इन सबको यूज कर सकते हो। तो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और मेरे बालकनी में भी रखा हुआ है आर्टिफिशियल, हम प्लांटर में मतलब हैंग करके रखे है। सो गाइस कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा। वैसे हम फैन वैन ऑफ करके ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी हम शेयर कर सके। और अगर मेरे से ज्यादा अच्छा आप लोगों के पास जानकारी है तो वो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और ये विंटर वाला गेटअप भी कैसा लगा, हम जो भी मतलब ड्रेस हम पहने हैं तो वो हम एक पूरा शॉट में डाल देंगे आज का कौन सा वाला ड्रेस पहने हैं। और ये पूरा प्लंटर ऑफ मीशो के साइट पे भी आप देख सकते हो या फिर हम अमेजन से कलेक्ट किए थे और थोड़ा मार्केट से अमेजन और मार्केट से कलेक्ट किए थे। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शेयर कर देंगे। तो चलिए रहिए मेरे मेरे नेक्स्ट वाला व्लॉग में, हम फिर मिलते हैं और एक धमाकेदार जासू वाला मतलब आप लोगों के लिए व्लॉग बनाएंगे। तो तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हंसते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ये वाला मेरा बेटा मुझे सिखाया है। सो लव यू ऑल।